और फिर हम डीपी टीचिंग पोर्टल और वेलकम नॉर प्रैक्टिस सेट जनरल करेक्टर्स आप आर्थोपोड। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिलेंगे आर्थोपोडा के, और सारा सिलेबस कवर होगा। थोड़ी लैंग्वेज वो थोड़े यहाँ पर राइटिंग जो है एडजस्ट करें, ठीक नहीं होगी तो, मगर यहाँ पर हैंड राइटिंग वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा में हेल्पफुल होंगे। जो सारे जो संभावित हो सकते हैं बन सकते हैं जो क्वेश्चन वो सारे राइट किए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कल वाला क्वेश्चन था जो कल वाले प्रैक्टिस सेट में, उसमें जो टर्माइट्स है इसे छोड़ दें और बाकी सभी में पाई जाती है स्वार्मिंग यानी माइग्रेशन। तो टर्माइट को छोड़कर सभी में पाई जाती है, हनी बी में पाई जाती है, एंट में पाई जाती है, वो एंट में नहीं पाई जाती, हनी बी में पाई जाती है और लॉक्टस में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। और हनी बी लॉक्टस एंट्स में नहीं पाई जाती है और ना ही टर्माइट में पाई जाती थी। तो डरगन फिलाई तो ये तो सही था। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से पहले क्वेश्चन से जनरल अकाउंट है आर्थ्रोपोड का। अलारी मसल्स इज इंसेक्ट रेफर टू, जो अलारी मसल्स है जो कि काकरोच में पाई जाती है, और जो काकरोच में पाई जाती है अलारी मसल्स वो हार्ट में पाई जाती है जो कि हार्ट को सपोर्ट करती है इस तरह से वर्टिकली। और यहाँ पर ये इस तरीके से उसके हार्ट चैम्बर होते हैं 13 काकरोच में। यहाँ पर जो बीच में जो मसल्स है उसे अलारी मसल कहते हैं। इस तरीके से हार्ट होता है 13 चैम्बरों का। तो आंसर यहाँ पर हार्ट मसल्स होगा। इन इंसेक्ट द ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स, जो सारे इंसेक्ट हैं जिनमें कंपाउंड आई भी होती है और नॉर्मल आई होती है। तो काकरोच में यहाँ पर 2000 ओमेटिडिया के बना होता है और हाउस फ्लाई में 4000 ओमेटिडिया। तो आंसर यहाँ पर विजुअल यूनिट होती है कंपाउंड आई की। आंसर एक सही होगा दूसरे का। रेस्पायरेटरी आर्गन आप क्रस्टेशियंस आर, तो क्रस्टेशियन में रेस्पायरेटरी गिल्स होते हैं और जनरल बॉडी सरफेस यहाँ पर एनिलिडा में होती है और लंग्स यहाँ पर मैन में होते हैं। बुक लंग यहाँ पर होते हैं एकिनिडा फैमिली में, आर्किडा क्लास में, और बुक गिल्स होते हैं क्रेब यानी कैंसर यानी केकड़ा में। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन इंसेक्ट, तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मैंने बताया था बर्ड रेप्टाइल एंड इंसेक्ट, ये सारे एनिमल हैं जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, तो कंपाउंड आई की यूनिट है मैंने बताया था ओमेटिडियम जो कि 4000 हाउस फ्लाई में होता है और 2000 कंपाउंड आई 2000 होता है 2000 होते हैं ओमेटिडियम काकरोच में और 4000 होते हैं हाउस फ्लाई में जो कि एक कंपाउंड आई बनाते हैं। तो आंसर यहाँ पर पांचवा का दूसरा होगा बी वाला। विच वन दीज गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस का यहाँ पर कौन सा बढ़िया एग्जाम्पल है बता रहा है। डेवलपमेंट अडल्ट फिर हम प्यूपा ऑफ इंसेक्ट बता रहा है, और दूसरा बता रहा है ग्रोथ यंग ऑफ द कंगारू। तो यहाँ पर हैचिंग ऑफ मैंगट फिर हम द एग ऑफ हाउस फ्लाई, तो डेवलपमेंट का एग्जाम्पल बता रहा है बढ़िया कौन सा है। तो डेवलपमेंट अडल्ट फिर हम प्यूपा ऑफ इंसेक्ट या फिर सेक्सुअली मैच्योर्ड एनिमल्स, तो वो तो ऑप्शन नहीं है। सेक्सुअली मैच्योर एनिमल्स दैट कैन हैव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, तो सेक्सुअली मैच्योर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस डेवलपमेंट आर जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप्ड एंड सेक्सुअली मैच्योर्ड ऑर्गन इज कॉल्ड मार्फो मेटामॉर्फोसिस, और डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट फ्रॉम द प्यूपा ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। सो आंसर इज सी इग्डिसोन लोगलेट, तो इग्डिसोन है जो कि प्रोथोरिक ग्लैंड का हार्मोन्स है जो कि रेगुलेट करता है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। सो आंसर इज सी ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस या डेवलपमेंट रेगुलेट करता है इग्डिसोन, जो कि कार्डियो प्रोथोरिक ग्लैंड के द्वारा होता है सिक्रिएट, और कार्पोलेटा है जो कि जुबेनिल हार्मोन्स सिक्रिएट करता है, कार्पोरा अलाटा जो कि इंसेक्ट का हार्मोन है। 7 का सी सही आंसर होगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है हाउस फ्लाई में, हाउस फ्लाई मस्कीटो मॉथ बटरफ्लाई सिल्कवर्म एंट्स बिटल्स
सिल्कबाम एंड बिट्टल, हाउस फ्लाई, मस्कीटो, और यहाँ पर बिट्टल्स था, मस्कीटो, हाउस फ्लाई, एंट्स और सिल्कबाम, हनी बी एक्सेट्रा। मोस्ट सिंपल कॉमनेस्ट लार्वा, तो जो सो मोस्ट सिंपल और कॉमनेस्ट लार्वा है नोपिलस लार्वा, जो कि क्रिटेशिया में पाया जाता है। ये सारे लार्वा क्रिटेशिया के ही हैं, मगर जो उत्तर हमारा है कॉमनेस्ट है, जो कि नोपिलस लार्वा है। 9 का आंसर एक सही होगा। इट इज़ आल्सो नाउन एज द मॉडिफिकेशन ऑफ जोइया, जोइया का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर 10 का आंसर जोइया का मैसिस अलीमा होगा, जोइया का अलीमा यहाँ पर मॉडिफिकेशन है फॉर्म। बाइटिंग एंड च्यूमिंग टाइप माउथ पार्ट, तो बाइटिंग और च्यूमिंग पार्ट पाए जाते हैं काकरोच में और ग्रासोपर में, क्रिकेट में, आल आप इनमें सभी में। आंसर डी सही होगा, आल। वन कुकन गिव द फायर अप, एक कुकन लगभग कितनी फाइबर देता है, तो यहाँ पर 12 का आंसर सी सही होगा, और 1000 फीट यानी 1000 फीट। बी वेनम इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो जो बी वेनम है तो कि वो आर्थराइट के लिए यूज कर किया जाता है, जो गठिया बोलते हैं इसे। ब्रेन हार्मोन इज इंसेक्ट सिक्रेटेड फ्रॉम, तो ब्रेन हार्मोन है, ब्रेन हार्मोन था जो कि सिक्रेट होता है यहाँ पर, और ब्रेन हार्मोन है जो सिक्रेट होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। आंसर बी सही होगा, 15 का। और इग्डियोसोन, तो इग्डियोसोन यहाँ पर है प्रोथोरिक प्रोटोथोरपिक प्रोथोरिक ट्रोपिक हार्मोन्स। आंसर बी सही होगा। प्रोथोरिक हार्मोन आंसर सी सही होगा, यहाँ पर प्रोथोरिक ग्रोथ हार्मोन्स। बल्नारर कोच चलाएंगे, उसमें भी ये मिलेगा कुछ। जेनेटिक कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट इज प्रपोज्ड बाय, तो जेनेटिक कंट्रोल है इंसेक्ट का, किसके द्वारा प्रपोज किया था, यानी जो रेगुलेशन करता है हार्मोन। 16 आंसर यहाँ पर, 16 का बी सही हुआ, एच लवेन। ट्रेकियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो ट्रेकिया सिस्टम है जो कि बना होता है ट्रेकिया का, और ट्रेकियल सिस्टम है जो बना होता है 17 का। स्पाइकल भी होता है, ट्रेकी भी होता है, एयर सैक्स होते हैं, ट्रेक्यूल्स होता है, आला बबो, ये सारे होते हैं उपयुक्त सारे या सभी। आंसर ई सही होगा। मीन्स ऑफ रेस्पायरेशन इन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में जो कि मीन्स है रेस्पायरेशन का, तो यहाँ पर किस इंसेक्ट में, यहाँ पर ट्रेकियल्स और ट्रेकियल द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, इंटूगमेंट द्वारा होता है, बुकलंग बुक ब्लड गिल्स के द्वारा। आंसर यहाँ पर 18 का ई होगा, ब्लड गिल्स के द्वारा, ट्रेकिया भी द्वारा होता है, इंटूगमेंट द्वारा, स्पाइकुलर गिल्स के द्वारा, आल ये सभी। स्कॉर्पियन आदा में बेनिफिशियल बी का दी जार यूज दिन, तो स्कॉर्पियन है यानी बिच्छू जो कि यूज होता है, यहाँ पर किसके लिए यूज होता है, फिलोरोलॉजिकल रिसर्च, इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च। और 19 का आंसर डी सही होगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, पीमेकोलॉजिकल रिसर्च, इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च, आल। पेरीपेटस ब्रेथ बाई, यानी पेरीपेट है रेस्पायर बाई या ब्रेथ बाई, तो पेरीपेट है जो कि एनिलिडा आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिव लिंक है, तो जो बता रहा है ब्रेथ बाई, तो आंसर एक सही होगा इसका, ट्रेकिया, और जो कि काकरोच भी ट्रेकिया द्वारा इनसे रेस्पायरेशन करता है। द नंबर ऑफ लैंग्स फाउंड इन द पेरीपेटस, तो पेरीपेटस में जो लैंग की संख्या है वो कितनी है, दूसरे का आंसर सी सही होगा, बुक लंग्स, जो कि पाए जाते हैं एकिनिडा में भी और इसमें भी।
तो सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर जनरल करेक्टर में चल रहे हैं। जनरल करेक्टर के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है, आप समझें कि पेरिपेटस नहीं है। सिलेबस में हमारे जो हाईलाइट किया गया है, मस्क्यूटो और यहाँ पर हाउस प्लाई, मस्क्यूटो हाउस प्लाई और काकरोच, और ये सारे एनिमल जो वो किए गए हैं, मगर हमें पढ़ना सभी है जिससे हम क्वेश्चन बाहर नहीं आए। क्वेश्चन दूसरा आ गया तो जनरल करेक्टर से आ ही जाते हैं। नंबर ऑफ लेंग्स फाउंड इन द पेरिपेटस, तो दूसरे का आंसर यहाँ पर सी सही होगा, 14 से 43, यानी 14 14 टू 30 43 14 टू 14 3 43 पेयर्स। द स्केटरी स्ट्रक्चर इन पेरीपेटस, पेरीपेटस में स्केटरी स्ट्रक्चर है कोक्जल ग्लैंड। पेरीपेटस पेरीपेटस क्या दिख प्रदर्शित करता है? आंसर यहाँ पर 4 का 20 सही होगा, स्केंट मेटेरिज्म मेटामेरिज्म, स्केंट मेटामेरिज्म दिखाता है, प्रदर्शित करता है। द नेफिडिया पेरीपेटस ओपन, जो ओपन होते हैं यहाँ पर कहाँ पर, नेफिडिया नेफिडिया पाए जाते हैं पेरीपेटस में, इसीलिए यहाँ पर एनिलिडिया का सदस्य माना गया है। और अपेंडेज पाए जाते हैं इसीलिए आर्थ्रोपोडा, और कुछ करेक्टर यहाँ पर मोलस्का के भी। 5 का आंसर 20 सही होगा, एट द बेसल ऑफ ईच लेंग, वो पेरीपेटस इज, तो पेरीपेटस इज क्या है? 6 का आंसर B होगा, ओ बी 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 पेरास, यानी बच्चे देने वाला एनिमल। वन ऑफ द फॉलोइंग शो द डिसकंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा है जो कि डिसकंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रदर्शित करता है? पेरीपेटस। इन ऑस्ट्रेलिया द फॉर्म ऑफ पेरीपेटस इज, ऑस्ट्रेलियन फॉर्म ऑफ पेरीपेटस है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है पेरीपेटस किस रूप में? 8 का आंसर D सही होगा, ओ पेरीपेटस, ओ पेरीपेटस के रूप में। पेरीपेटस इज, तो पेरीपेटस क्या है? 9 का आंसर B सही होगा, टेरिस्ट्रियल एनिमल है। अन एनिमल विदाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, तो पेरीपेटस है, इसमें कोई इसका इम्पोर्टेंट नहीं है इकोनॉमिक। पेरीपेटस इज, तो पेरीपेटस यहाँ पर 11 का आंसर B सही होगा, कार्निवोरस है, मांसाहारी। पेरीपेटस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन, तो पेरीपेटस है किनके बीच का कड़ी है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, आंसर 1 सही होगा। बल्लाइन को चेप चलेंगे, फाइलोमोर्थोपोडा, जनरल करेक्ट अकाउंट्स। मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट फाइला इज आर्थ्रोपोड, क्लास क्रेटेसिया हैज नो लार्वा एनिमल्स, तो कौन सा क्लास है जो कि लार्वा एनिमल उसमें लार्वा नहीं पाया जाता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है प्रान है, और क्रेफिश है जो कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसमें कोई लार्वा नहीं पाया जाता है, नो डेवलपमेंट, यानी लार्वा ऑफ द क्रिटेसिया, तो क्रिटेसिया का लार्वा है जो कि इसमें एंटीना है, यूनिमेराउस एंटीन्यूल एंटीन्यूल्स यूनिमेराउस एंटीना, यहाँ पर बायरेमस मैंडिबल प्रेजेंट। मेटालोपिलस लार्वा यहाँ पर पाया जाता है, पहला क्या कौन सा था लार्वा? क्रिटेसिया का लार्वा पहला था, क्रिटेसिया लार्वा यहाँ पर नोपिलस, नोपिलस था। दूसरा यहाँ पर मेटानोपिलस जो कि कॉमन था, यहाँ पर नोपिलस नोपिलस लार्वा कॉमनेस्ट है, मोस्ट कॉमनेस्ट लार्वा है, और मेटल नोपिलस इज द लेटर नोपिलस। पोटोजुआ इट इज द डेकापोड्स, पोटोजुआ जो कि डेकापोड्स है, नोपिलस ग्रोइंग इन टू द पोटोजुइया, प्रोटोजुइया है जो कि नोपलस है, जो कि दूसरा लार्वा है प्रोटोजुइया जो कि डेकेपोड से संबंधित है, मेराइन है, और जोइया इज मेराइन डेकेपोड्स प्रोटोजोइया मॉडिफाइड इन टू द जोइया। इट इज अ फ्री स्विमिंग, इट इज अ स्विमिंग एंड हैज बैरियमस मैगजिली पीट्स। सिप्रिस इज फाउंड इन, तो सिप्रिस फाउंड इन लीपर्स एंड सैक्यूलाइना, सिप्रिस लार्वा है जो कि लीपर और साइकुलाइना में पाया जाता है, और साइकुलाइना में यहाँ पर कैंट्रोजन लार्वा पाया जाता है, लीपर पाया जाता है, मैसिस पाया जाता है, और नोपिलस सिप्रिस एंड कैंट्रोजन पाया जाता है साइकुलाइना में।
इसमें बायरेमस पेरिथोरिक लिम्स होते हैं, एब्डोमिनल 4 से 5 सेगमेंट होते हैं। माइसिस या सीजोपोड्स, तो माइसिस या सीजोपोड लार्वा है जो कि पीनियस कहते हैं, जैसे इनियस लोबोस्टर जोइया मॉडिफाइड इन द माइसिस। 30 पेयर अपेंडिजेस में पाए जाते हैं। लोबोस्टर जोइया मॉडिफाइड इनटू माइसिस, जो लोबोस्टर जोइया है जो कि मॉडिफाइड हो जाता है माइसिस में, जो कि 13 पेयर अपेंडिज होते हैं। मेगालोपा इट इज द 7 लार्वा। क्रस्टेशिया और जो कि डेकापोड्स है और ट्रू क्रेब है। मेगालोपा एक ट्रू क्रेब का लार्वा है जो कि जोइया चेंज इनटू द मेगालोपा, जोइया चेंज मेगालोपा लार्वा जो कि ट्रू क्रेब है। फाइलोसोमा, फाइलोसोमा यहाँ पर क्या है, इट इज द लार्वा पेलीरूरस हिस्पाइनी क्रेब आर द रॉक लोबस्टर। ये लोक लोबस्टर या रॉक लोबस्टर का लार्वा है जो कि फाइलोसोमा या ग्रास क्रेब कहते हैं। फाइलोसोमा या ग्रास क्रेब जो कि स्पाइनी क्रेब, स्पाइनी क्रेब, स्पाइनी क्रेब या रॉक लोबस्टर इट कॉल्ड फाइलोसोमा और ग्रास क्रेब, ग्रास क्रेब या फिर स्पाइनी क्रेब जो कि फाइलोसोमा है, और यहाँ पर रॉक लोबस्टर भी कहते हैं इसे। और इट है 3 बायरेमस, 3 अपेंडेज, 4th, 5th, and 6th। इट इज द गोज सेवरल माउंटिंग। अलीमा इज द अलीमा मॉडिफिकेशन फ्रॉम जोइया, इट इज द सम मेलाकोस्ट्रेकम सेकुलाइना। अलीमा पाया जाता है सेकुलाइना में या मेलेको मेलेकोस्ट्रम या फिर सेकुलाइना में पाया जाता है, स्केलाइना में अलीमा लार्वा। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, बाइटिंग एंड च्यूमिंग माउथ पार्ट पाए जाते हैं काकरोच में, जो कि आर्थोप्टेरा है इसका फाइल ऑर्डर। माउथ में पाए जाते हैं इसमें माउथ वो काकरोच में और ग्रासोपर में पाए जाते हैं, क्रिकेट में या सिल्वर फिश में पाए जाते हैं और एयरबिंग में पाए जाते हैं, टर्माइट में पाए जाते हैं, बुक लाइस में पाए जाते हैं और बर्ड लाइस में पाए जाते हैं और कैटरपिलर लार्वा पाए जाते हैं, हेमिनोप्टेरा लोपिडोप्टेरा आदि सभी में पाए जाते हैं। पीसर, पीसर सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं किसमें, तो पीसर सिंग, पीसर, पीसर सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं जो कि एनिमल ब्लड सक करते हैं, जो कि मस्क्यूटो है, बेड बग है, मस्क्यूटोज बेड बग, एम्फिड्स, एम्फिड है जो कि एम्फिड में पाए जाते हैं, मगर जो एम्फिड में पाए जाते हैं वो फीड नहीं करता है एनिमल पर, वो कि प्लांट पर फीड करता है, मगर उसमें माउथ पार्ट बेड बग, एम्फिड एंड मॉस्किटो में पाए जाते हैं। पीसिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट, दी टाइप माउथ पार्ट आर द मैंडिबल एंड द मैगजिला, इस तरीके के माउथ पार्ट में मैंडिबल मैगजिला पाए जाते हैं। माउथ पार्ट ऑफ मस्क्यूटो कंसिस्ट ऑफ, तो मस्क्यूटो के जो माउथ पार्ट हैं मैंडिबल एंड मैगजिला एंड हाइपोपेरिनिक्स के बने होते हैं, जो कि एक कंपोज रूप में होते हैं, फॉर्म ऑफ विच इज कंपोज ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोबोसिस आर बीक, प्रोबोसिस आर बीक इज मस्क्यूटो कंपोज ऑफ मैंडिबल मैगजिला हाइपोपेरिनिक्स एंड लेबियम। प्रोबोसिस इज ए नीडल लाइक टेक्चर। च्यूबिंग एंड लीपिंग टाइम माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं, च्यूबिंग एंड लीपिंग टाइम माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन हनी बी एंड बम्पल बी। साइपोनिक टाइप, साइपोनिक टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं, साइपोनिक टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं हाउस फ्लाई में, और उसके बाद हाउस फ्लाई जो कि हाउस फ्लाई जो कि सक करता है लक्यूड फूड को, सक करता है लक्यूफाइड फूड, तो जो हाउस फ्लाई है उसे लक्यूफाइड फूड को सक करता है, जो कि स्पंजिन में पाए, स्पंजिन टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं हाउस फ्लाई में। साइफोनिक टाइप माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं, साइफोनिक टाइप माउथ पार्ट प्रेजेंट इन बटरफ्लाई, मॉथ,
अडेप्टेड आर द फार्स बिलेट सकिंग, जो साइफोनिक टाइप माउथ पाए जाते हैं, बटरफ्लाई माउथ में पाए जाते हैं, जो कि अडेप्टेड होते हैं, फीड ऑन द नेक्टर लाइक बीज, माउथ पार्ट मैगजिली फॉर्म ऑफ द मैन, प्रोबोसिस नॉट लेबियम, प्रोबोसिस पाई जाती है, लेबियम नहीं पाया जाता है, जो कि माउथ पार्ट मैगजिलिया होते हैं, फॉर्म मैगजिला के फॉर्म में होते हैं, और मैन प्रोबोसिस इज नॉट लेबियम, जो मैन प्रोबोसिस होते हैं इसमें लेबियम नहीं पाया जाता है। प्रोडक्टिव इंसेक्ट हैं तो यहाँ पर हनी भी है, जो कि हनी भी एपिस कहते हैं, हनी भी प्रोड्यूस बाई अपिस यानी हनी भी, हनी प्रोड्यूस बाई अपिस यानी हनी भी से, बी बक्स प्रोड्यूस बाई अपिस यानी हनी भी, हनी के द्वारा, और रॉ सिल्क इज प्रोड्यूस बाई द सिल्क वर्म जिसे बम्बेक्स मोराई कहते हैं, और अदर्स, लार्क प्रोड्यूस बाई द सैलाक कमेंसिस ऑब्टेन फ्रॉम बक्सी सेक्रिएशन ऑफ द लार्क ट्री इंसेक्ट, बक्सी सिक्रेशन ऑफ लार्क इंसेक्ट ट्रेकिट ट्रेकार्डिया लक्का, डाई नाउन एट द टेनिस या कोचिनीन कोचिनीन एंड क्रिमसन लाइक क्रिमसन लैक, डाई जो कि डेरिवेट फॉर्म ऑफ द डाइज बॉडीज ऑफ द सर्टेन स्केल ऑफ इंसेक्ट लिविंग ऑन कैक्टी, जो कैक्टी पर इंसेक्ट रहते हैं, जो कि स्केल होते हैं उसके यहाँ पर, उसकी डाई बनाई जाती है सूखी हुई स्केल की, और इंसेक्ट एज फीड इंसेक्ट जो कि भोजन की तरह यूज करते हैं, फ्रॉग लिजार्ड स्नेक एंड फिश एक्सेट्रा। इंसेक्ट इज द मेडिसन इज तो मेडिसन इंडेक्स वो इंसेक्ट हैं जो कि मेडिसन बनाई जाती है, कोकीचिनिल इंसेक्ट एंड कंटेन द कार्मेनिक एसिड और कोक्सरिन मेरेस्ट्रीन और फैट, कोकचिन इंसेक्ट कंटेन कार्मेनिक एसिड कोक्सरिन मेरेस्ट्रीन और फैट मेरेस्ट्रीन फैट और यहाँ पर कार्बनिक एसिड एंड फैटी एसिड, कार्बनिक एसिड मैरिन स्ट्रीन फैट फैटी एसिड एंड कार्बनिक एसिड, मेडिसिन प्रोडक्ट ऑफ द इंसेक्ट जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है, कैथरडाइन एंड डेरिवेट फ्रॉम द बिस्टल बी, तो यहाँ पर ये इंसेक्ट के प्रोडक्ट थे। इंसेक्ट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल यहाँ पर हुई इंसेक्ट विच आर द अटैक ऑन द ईट अप अदर इंसेक्ट एंड कॉल द प्रेडिटर, जैसे गंबोसिया है जो कि लार्वा की खाती है लार्वी को मस्क्यूटो की, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं उसे। एम्फिड एंड स्केल्स इंसेक्ट, एम्फिड और इंसेक्ट हैं जो कि एम्फिड एंड स्केल इंसेक्ट जो कि हैं पेस्ट, एम्फिड एम्फिड एंड स्केल इंसेक्ट एम्फिड एंड स्केल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द सिट्रस, पेस्ट ऑफ सिट्रस एंड द अदर ट्रीज आर द ईटन बाय द लार्वी बाय द लेडी बीटल बर्ड बीटल कोक्सिनिला एक्सेट्रा। एम्फिड है जो कि स्केल इंसेक्ट है, एम्फिड और इंसेक्ट स्केल है, स्केल इंसेक्ट जो कि कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में, पेस्ट है जो कि अटैक करता है, सिट्रस एंड अदर ट्रीज ईटन बाय द लार्वी लेडी बिटल बी और कोक्सीन की, तो जिससे बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। प्रेडिटर्स इंसेक्ट आर यूज्ड इन, जो प्रेडिटर इंसेक्ट हैं जो कि यूज होते हैं, और रेयरड फॉर द इम्पोर्टेंट रेयरड इम्पोर्टेड एंड द लिबर्टेड लिबर्टेड ऑर्चिड्स लिबर्टेड ऑर्चिड टू द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। प्रोडोसियस प्रेडेसियस इंसेक्ट्स आर प्रेडेसियस इंसेक्ट हैं टाइगर बिटल्स नॉक्चरल कर्नीवोराउस नॉक्चरल एंड कर्नीवोराउस ग्राउंड बिटल्स जो कि प्रेडेसियस इंसेक्ट है, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। लार्वा ऑफ द
पैरासिटिक इंसेक्ट बीच लार्वा पैरासिटिक इंसेक्ट बीच अटैच द लार्वा अटैक द लार्वा अटैक यहाँ पर होता अटैक अटैक द लार्वी आप प्लांट फीडिंग इंसेक्ट नाउनेस अटैक यहाँ पर लार्वा ऑफ द पैरासिटिक इंसेक्ट विच अटैक द लार्वी प्लांट फीडिंग जो कि प्लांट फीडिंग लार्वी है वो उस पर अटैक करती है लार्वा पैरासिटिक इंसेक्ट के जिसे कहते हैं पैरासोटाइड लार्वी है जो कि पैरासिटिक इंसेक्ट की है जो कि अटैक करती है लार्वी जो कि प्लांट पर भोजन करती है प्लांट को खा नुकसान करती है तो उसे कहते हैं उस इंसेक्ट को क्या कहते हैं जो कि उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल करती है जो कि प्लांट पर पाई जाती है उसकी लार्वी को खाकर कंट्रोल करती है बायोलॉजिकल तो उसे कहते हैं पैरासिटोइड्स इंसेक्ट इज फाइन आर्ट्स तो फाइन आर्ट बनाने में इंसेक्ट कौन सा है स्काउट्स वो साउंड ऑफ द इंसेक्ट जिसे साउंड ऑफ इंसेक्ट कहते हैं जो फाइन आर्ट में यूज होता है इन जापान कॉल इट द डिस्पट ऑफ द सिकेड्स एंड क्रिकेट्स सिकेड एंड क्रिकेट जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट हैं जो कि जापान में यूज करते हैं आर्ट के मतलब कलाकारी के लिए ऊपर जापान यूज द सेलिब्रेट एन एनुअल फंक्शन द फेस्टिवल ऑफ द सिंजिंग इंसेक्ट या साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट यूज होता है इसे फाइन आर्ट कहते हैं जापान में यूज होता है यहाँ पर इंसेक्ट का नाम है सिकेड एंड क्रिकेट यहाँ पर ब्यूटीफुल कलर इलेक्ट्रा एंड द विंग्स ऑफ सम इंसेक्ट यूज इन द ज्वेलरी एंड द पिक्चर इन द अमेरिका तो कौन सा है बता रहे ब्यूटीफुल कलर होता है इलेक्ट्रा एंड विंग्स ब्यूटीफुल कलर्ड इलेक्ट्रा होता है और विंग्स होते हैं यूज होते हैं जो कि अमेरिका में इंसेक्ट के ज्वेलरी में भी यूज होते हैं जो कि कलर्ड इलेक्ट्रा एंड विंग्स हैं इंसेक्ट के जो कि ज्वेलरी में यूज होते हैं अमेरिका में वो उसे कौन से कीट हैं वो कोलियोप्टेरा इंसेक्ट के एंड यहाँ लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस का यहाँ पर डेफिनेशन है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमेच्योर लार्वल इंडिविजुअल इनटू द सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोड्यूसिंग अडल्ट ऑफ द वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द हैबिटेट फॉर्म कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमेच्योर लार्वा इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमेच्योर इंडिविजुअल इंटू द सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोड्यूसिंग अडल्ट ऑफ द वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट फॉर्म इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट डिस्प्ले फोर टाइप यहाँ पर टाइप लिखा है थोड़ी राइटिंग एडजस्ट करें इंसेक्ट डिस्प्ले फोर टाइप मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट हैं जो कि 50 तरीके की मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं जो कि यहाँ पर पहला है नोमेटामॉर्फोसिस दूसरा है अमीटोबुलास और चौथा यहाँ पर वन बाय वन है तो पहला यहाँ पर नोमेटामॉर्फोसिस आर द अमीटोबुलास डेवलपमेंट यहाँ पर एग्जांपल है इन साइज एक्सेप्ट साइज जो नोमेटाबुलस अमीटोबुला जिसे कहते हैं डेवलपमेंट नोमेटामॉर्फोसिस आर अमीटोबुलस डेवलपमेंट नोमेटामॉर्फोसिस होती है इसे अमीटोमेटा डेवलपमेंट कहते हैं या अमीटोबुलस कहते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट साइज एंड स्पाइंस और सीटी स्पाइंस एंड साइज को छोड़कर जैसे डेवलपमेंट होता है तो
उसे कहते हैं नोमेटाबुलस आर द अमीटोमेटाबुलस। इसका एग्जांपल है यहाँ पर हैचड, न्यू हैचड क्रिएचर लुक लाइक अडल्ट। एग्जांपल यहाँ पर सिल्वर फिश है, और सिल्वर फिश स्पायरिना एंड टेल्स। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दूसरा है यहाँ पर, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आर द हेमी मेटाबुलस डेवलपमेंट। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आर हेमी मेटाबुलस डेवलपमेंट। यहाँ पर निम्फ आर द निम्फ नियाड्स विच आर द एक्यूटिक एंड द रेस्पायर बाय द ट्रेकियर गिल्स वेयर द अडल्ट अडल्ट एरियल रेस्पायर। यहाँ पर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि निम्फ होता है जो कि निम्फ आर द नाइट नियार्ड्स और विचार निम्फ निम्फ आर द नियार्ड विचार द अक्यूटिक एंड रेस्पायर बाय द ट्रेकिया गिल्स बेयर अडल्ट रेस्पायर एरियल रेस्पायर। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में होता है कि निम्फ होता है या नेडिव जो कि अक्यूटिक होता है और रेस्पायर बाय द ट्रेकिया, और जबकि अडल्ट होता है वो रेस्पायर एरियल रेस्पायर बाय द ट्रेकियल एरियल रेस्पायर द्वारा करता है रेस्पायरेशन। एरियल उसका रेस्पायरेशन होता है जो कि ट्रेकिया द्वारा होता है, और जो निम्फ होता है जो कि ट्रेकियल गिल के द्वारा रेस्पायरेशन करता है, जैसे यहाँ पर टर्माइट्स। जो कि टेरिटेल होता है और अडल्ट जो कि रेस्पायरेशन एरियल करता है, और लार्वा होता है यहाँ पर अक्यूटिक जो कि ट्रेकियल गिल द्वारा रेस्पायरेशन करता है। एग्जांपल यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई स्टोन फ्लाई एंड माई फ्लाईज। ग्रेडुअल मेटामॉर्फोसिस जो ग्रेडुअल मेटामॉर्फोसिस है या पायरोमेटाबुलस डेवलपमेंट जो कि पाया जाता है इन द न्यू, इसमें क्या है कि न्यू हैचड एनिमल है जो कि रिसेम्बल होता है अडल्ट की तरह, मगर जनरल बॉडी जो है बॉडी फॉर्म इज बट लैक द विंग्स एंड एक्सटर्नल बॉडी जनरल बॉडी फॉर्म ऑफ द जनरल बॉडी फॉर्म अडल्ट की तरह होती है, मगर बट विंग्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल डेवलपमेंट विंग्स एक्सटर्नल जेनाइटल अपेंडेज होते हैं अब्सेंट। बॉडी यहाँ पर न्यू हैच की है वो सेम अडल्ट की तरह होती है, रिसेम्बल अडल्ट जनरल बॉडी फॉर्म बट द लैक विंग्स, मगर विंग्स की कमी होती है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनाइटल अपर्चर नहीं होते हैं, और उसे कहते हैं यंग या निम्फ। अंडरगो सेवरल माउंटिंग जो निम्फ है या यंग है जो कि सेवरल माउंटिंग द्वारा अडल्ट होता है बीकम टू अडल्ट। एग्जांपल है यहाँ पर ग्रास होपर कॉकरोच एम्फिट्स एंड स्टिंग बग्स। यहाँ पर पायरोमेटाबोल या ग्रेडियल मेटाबोलस या इनकम्प्लीट मेटाबोलस भी कहते हैं इसको, पायरोमेटाबोल्स या ग्रेडुअल मेटाबोल्स या इनकम्प्लीट मेटाबोल इसी को कहते हैं मेटाबोलस। जो कि यहाँ पर एग्जांपल है आप ग्रासों पर कॉकरोच एम्फिट्स एंड स्टिंग बग्स। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस यहाँ पर पाई जाती है, कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबोलस कहते हैं डेवलपमेंट। दिस टाइप मेटामॉर्फोसिस इनक्लूड फोर टाइप स्टेज डेवलपमेंट एग लार्वा प्यूपा एंड अडल्ट। लार्वा आफ्टर द हैचिंग माउल्ड सेवरल टाइम्स बीकम फुली ग्राउंड वन। एग्जाम्पल यहाँ पर है हाउस फ्लाई मॉस्किटो मॉथ बटरफ्लाई सिल्क वर्म बीटल्स एंट्स फायर एंट्स हाउस फ्लाई हनी बी हाउस फ्लाई बास्प फ्लीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हार्मोन है जो इंसेक्ट में पाए जाते हैं, ब्रेन हार्मोन
सिक्रेटेड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल, और दूसरा है हार्मोन दैट एक्टिव कॉर्पोरा कार्डिया, जो हार्मोन है जो कॉर्पोरा कार्डिया को एक्टिव करते हैं, ब्रेथ हार्मोन है। और यहाँ पर प्रोथोरिक हार्मोन PTTH, प्रोथोरिक हार्मोन है जो कि सिक्रेट बाय कॉर्पोरा कार्डिया के द्वारा, कार्डिया का प्रोथोरिक ग्लैंड हार्मोन यानी PGH, प्रोथोरिक ग्लैंड हार्मोन इग्डिसिन है जो कि सेक्रेटेड बाई द ट्राइगर, प्रोथोरिक ग्लैंड सेक्रेट इग्डिसिन जो कि काम करता है कॉल्ड इट कॉल्ड टाइगर माउंटिंग हार्मोन, जेमिनल हार्मोन सेक्रेट बाई द कॉर्पोरा अलाटा, और जेमिनल हार्मोन है जो कि कॉर्पोरा एलेटा द्वारा सेक्रेट होता है इंसेक्ट में, और इट रेगुलेट द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस करता है, रेस्पायरेशन ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड्स, चेलीपोडा, चेलीक्रेटा, मैरोस्टोमेटा जिसे जिफ्नोसोरिया लीमस कहते हैं, रेस्पायर बाय द ऑर्गन बुककिल्स अकॉर्डिंग टू द मोरे, एकिनिडा रेस्पायरेशन ऑर्गन, तो एकिनिडा का रेस्पायरेशन है बुक लंग्स आर द ट्रेकियल आर बोथ, क्रेटेसिया हैज रेस्पायरेशन ऑर्गन इज गिल्स, क्रेटेसिया है उसमें इतने तरीके के लार्वा पाए जाते हैं, वो गिल्स यहाँ पर रेस्पायरेशन गिल्स द्वारा होता है, और पोडो ब्रांच जिसे फुट गिल्स कहते हैं, आर्थो ब्रांच या जॉइंट गिल्स, आर्थो यहाँ पर गिल्स मेन है, और जो कि पोडो ब्रांच में जो गिल पाए जाते हैं उसे फुट गिल्स कहते हैं, आर्थो ब्रांच में जो गिल पाए जाते हैं उसे जॉइंट गिल्स कहते हैं, पैरो ब्रांच में पाए जाते हैं उसे साइड गिल्स कहते हैं, फुट ब्रांच फुट फोर्थ यहाँ पर फोर्थ टाइप्स पाए जाते हैं उसे गिल, उस फोर्थ टाइप के गिल उसे कहते हैं मस्टिगो ब्रांच इन द डेकापोड्स, डेकापोडा में पाए जाते हैं। पैरोपोडा रेस्पायर बाय आर्गन, जो पैरोपोडा है जो कि उसमें रेस्पायरेशन अब्सेंट होता है, फ्यू हैव द वेरी शॉर्ट ट्रेकिया, कुछ में है जो कि शॉर्ट ट्रेकिया के द्वारा होता है, पैरोपोडा रेस्पायरेशन ऑर्गन अब्सेंट होता है इसमें, रेस्पायरेशन ऑर्गन इन द सिम्फाइला इज, सिम्फाइला में रेस्पायरेशन हो, और ए सिंगल पेयर ऑफ स्पाइकल्स, रेस्पायरेशन बता रहा है रेस्पायरेशन ऑर्गन इन सिम्फाइला, सिम्फाइला में रेस्पायरेशन ऑर्गन है, सिम्फाइला रेस्पायरेशन ऑर्गन है सिंगल पेयर स्पाइकल्स, और यहाँ पर रेस्पायरेशन इन द डिप्लोपोडा ए पेयर स्पाइकल्स एंड टू पेयर यहाँ पर डिप्लोड सेगमेंट होते हैं, डिप्लो सेगमेंट उसके द्वारा रेस्पायरेशन होता है डिप्लोपोडा में, ए पेयर स्पाइकल्स एंड टू पेयर डिप्लो सेगमेंट्स, रेस्पायरेशन इन चीलोपोडा, तो चीलोपोडा में रेस्पायरेशन होता है स्पाइकल के द्वारा, रेस्पायरेशन ऑर्गन इन द इंसेक्टा, वो इंसेक्टा क्लास है जो कि ट्रेकिया पाया जाता है, पेरीपेटस हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पेरीपेटस में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एम्फिट्स के, वो एनिलीडा के, आर्थोपोडा के और ओनिकोफोरा एंड द मोलस्का, एनिलीडा ओनिकोफोरा आर्थोपोड्स एंड मोलस्क, इसमें करेक्टर होते हैं एनिलीडस एनिलीडस ओनिकोफोरा और आर्थोपोडा एंड द मोलस्का, एनिलीडा आर्थोपोडा ओंकोपोरा एंड मोलस्का के करेक्टर होते हैं पेरीपेटस में, ओंकोपोरा जो कि सीलिया और इसमें फ्लैजेला दोनों चीज़ें पाई जाती हैं जो सिंगल आर्थोपोड्स है, ओंकोपोरा है जो कि सिंगल आर्थोपोडा है, इसमें सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं, और यहाँ पर पेरीपेटस का यहाँ पर डायग्राम है, पेरीपेटस है यहाँ पर ट्रंक अपेंडेज होते हैं, यहाँ पर इसमें लेंग्स पाए जाते हैं 14 से 43 जो कि एनिलीडा आर्थोपोडा एंड मोलस्का ओंकोफोरा के कनेक्टिक लिंक है, एनिलीडा आर्थोपोडा के मेन कनेक्टिक लिंक है, और इसमें कैरेक्टर पाए जाते हैं एनिलीडा आर्थोपोडा एंड
ओंकोफोरा मोलस्का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी, बी हैप्पी।